सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ऊपर चल रहे मोदी सरनेम केस को लेकर बड़ी राहत दी है, जिसके बाद अब गांधी परिवार में खुशी की लहर है। तमाम नेता राहुल गांधी को बधाई दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल की सीएम और टीएमसी चीफ ममता बनर्जी ने भी राहुल गांधी को बधाई दी। ममता बनर्जी ने ट्वीट किया और कहा कि मैं राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल होने के फैसले से खुश हूं। यह हमारी मातृभूमि के लिए एकजुट होकर लड़ने और जीतने के इंडिया गठबंधन के संकल्प को और मजबूत करेगा। न्यायपालिका की जीत हुई है। इंडिया गठबंधन के अन्य सहयोगियों ने भी कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। जहां राहुल गांधी को बड़ी राहत मिल गई, लेकिन दूसरी ओर सियासी घमासान तेज हो गया। जहां सारे नेता राहुल गांधी को बधाई दे रहे हैं, वहीं भाजपा ने राहुल गांधी पर तंज कस दिया है। खबरों के मुताबिक भाजपा का कहना है कि संसद फिलहाल कुछ ढिलाई बरत सकती है, लेकिन राहुल गांधी अभी भी मुश्किल में है, क्योंकि उनके खिलाफ कई अन्य आपराधिक मानहानि के मामले बाकी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भाजपा आईटी विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने एक ट्वीट किया और राहुल गांधी पर निशाना साधा। अमित मालवीय का कहना है कि राहुल गांधी भले ही इससे बच गए हो, लेकिन कब तक। इससे पहले एक मौके पर सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हें गलत तरीके से एक टिप्पणी के लिए जिम्मेदार ठहराने के लिए उनकी खिंचाई की थी। मालवीय ने सोनिया गांधी पर भी निशाना साधा और कहा कि नेशनल हेराल्ड घोटाले में राहुल गांधी भी अपनी मां सोनिया गांधी के साथ आरोपी हैं और फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। इनमें से किसी में भी दोषी पाए जाने पर उसे फिर से अयोग्य ठहराया जा सकता है। खबरों के मुताबिक उनका कहना है कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि लालू प्रसाद, जय ललिता जैसे दिग्गज नेताओं को दोषी ठहराए जाने के बाद अयोग्यता का सामना करना पड़ा है। राहुल गांधी यहां मुश्किल में है, लेकिन फिलहाल संसद कुछ ढिलाई बरत सकती है। अब आइए आपको एक बार पूरा मामला बता देते हैं। दरअसल राहुल गांधी ने बैंगलोर के कोलार में एक चुनावी सभा को संबोधित करने के दौरान मोदी सरनेम को लेकर एक बड़ा बयान दिया था, जिसके बाद सियासी घमासान मच गया था। इसके खिलाफ भाजपा विधायक पुणेश मोदी ने मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी। सेशन कोर्ट में 4 साल तक केस चला और फैसला इस साल 23 मार्च को आया था। मानहानि केस में राहुल को ज्यादा से ज्यादा 2 साल की सजा मिली, जिसके चलते उनकी सांसदी भी चली गई थी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारे YouTube चैनल न्यूज नेशन पर तमाम विषय पर खबर उपलब्ध है। और भी लेटेस्ट जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट newsnationtv.com पर विजिट कर सकते हैं। जाते जाते हमारी वीडियोस को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हर न्यूज अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे।